हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भोपाल की बहू नीतू, बोले तो नीतू भोपाली। तो आज मैं थोड़ा सा असमंजस में पड़ी हुई हूँ। मतलब मुझे आप लोगों से पूछना है कि क्या सच में ऐसा होता है, क्या ऐसा हो सकता है। क्योंकि देखो, मतलब आप लोग बताओगे, हालांकि मुझे बताया गया है कि ऐसा होता नहीं है, मतलब ऐसा ही होता है, ऐसा बताया है मेरे पति ने। तो अब पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा, ये तो मुझे नहीं मालूम है। तो हुआ कुछ इस तरीके से, मैं आपको पूरी डिटेल में बात बताऊंगी, मतलब घुमा फिरा के ही बताना पड़ेगी, तभी तो आपको समझ में आएगी। डायरेक्ट बता दूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगी ना। बात समझना ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप समझोगे नहीं तो आप उसका जवाब कैसे दोगे। अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कर लूँगी आपको, उसके मैटर का कुछ पता ही नहीं है कि बात हुई क्या थी, है ना। तो बात पूरी आपको पता चलना चाहिए कि बात आखिर हुई क्या थी। तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। तो बात कुछ इस तरीके से हुई थी। हुआ कुछ यूँ कि मैं, मतलब खाना खा के मैं बैठी हुई थी, अब मैं फ़ोन चला रही थी, उसी बीच में मुझे एक आवाज़ आती, मेरे कानों में एक आवाज़ पड़ती, नीतू 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 ऐसे करके। तो मैंने देखा तो मुझे सामने चाची दिखी। तो चाची से मैंने पूछा, हाँ चाची क्या हुआ? तो उन्होंने मुझे ऐसे इशारा करके बुलाया, ऐसे बोला। तो मुझे लगा शायद कुछ ज़रूरी काम होगा चाची को। आज मैंने लिपस्टिक नहीं लगाई, मैंने मेकअप नहीं किया, पाउडर तक भी नहीं लगाया, मांग भी नहीं भरी है। ठीक है, अभी मेकअप करूँगी ना, वीडियो बनाऊँगी इसलिए। तो वहाँ पर थी मैं, हाँ ऐसे करके, ऐसे इशारा करके बुलाया मुझे। तो मुझे लगा कि शायद चाची को मुझसे कुछ ज़रूरी बात करना है। तो मैं चाची के पास गई तो बोले, तू क्या कर रही है, ऐसे करके पूछा। मतलब कुछ नहीं, मैं तो ऐसी बैठी हूँ ऐसे करके, क्योंकि मैं बैठी हुई थी ना, तो मैं झूठ नहीं बोल सकती उनको, मैं बैठी थी, उन्होंने देख भी लिया था मुझे। हालांकि उन्होंने फिर भी मुझसे क्वेश्चन किया कि तू कर क्या रही है। अब उन्होंने मुझे देख लिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि वो बड़ी हैं तो मैं उनके क्वेश्चन का जवाब दूँ, उनके सवाल का जवाब मेरा देना फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि मैं उनकी बहू हूँ। ठीक है, तो चाची ने मुझसे पूछा तो मुझे बताना पड़ा कि नहीं चाची, मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, ऐसे नॉर्मल सा मैंने जवाब दिया, नहीं चाची मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। तो बोले, सुन ना एक काम कर। तो मैंने, हाँ बताइए। अब बड़ी हैं तो उनसे पूछना तो पड़ेगा ना, बताइए करके। तो बोले, दो मिनट चल मेरे साथ। तो अब भैया इतना, मतलब बड़ी हैं और अपने बड़ों से, मतलब मुझे बताया तो मैं तो, मतलब अगर उन्होंने बोला है चल मेरे साथ तो फिर मुझे चलना पड़ेगा। तो लेकिन मैं उनसे पूछ नहीं सकती कहाँ, क्योंकि वो बड़ी हैं, उन्होंने बोला है कि चल मेरे साथ। तो मैं, ठीक है मैं चलती हूँ। अरे तू जा रही, ऐसे करके। फिर अंदर बैठे थे मेरे हस्बैंड, तो मैं उनके पास गई। निशा खा रही थी खाना, तो मैंने निशा को डिस्टर्ब नहीं किया, मतलब खाना खा रही थी, फिर उसको डिस्टर्ब होता अगर वो मुझसे पूछती दीदी कहाँ जा रही हो, तो उसको डिस्टर्ब होता ना खाना खाते खाते, सवाल करना पड़ता उसको, फिर मुझे भी जवाब देना पड़ता, और उस जवाब के लिए मुझे चाची से जाके पूछना पड़ता कि चाची मुझे आखिर लेके कहाँ जा रही हो आप। तो फिर मैंने सिर्फ इनको बताया, मतलब मैं आ रही हूँ चाची के साथ में। हालांकि ये भी बहुत समझदार है, इन्होंने मुझसे पूछा नहीं कि तुम जा कहाँ रही हो, क्योंकि मैंने ही नहीं पूछा चाची से कि वो मुझे लेके कहाँ जा रही हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद में हम लोग गए, रास्ते में मतलब थोड़ा सा दूर तक जाने के बाद में चाची ने बोला ATM से पैसे निकालना है। ओह, फिर मुझे पता चला कि हमें तो जाना ATM है। ठीक है, अब मौसम तो वैसे आज सुबह से भोपाल में बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। हालांकि अभी बीच में बारिश बिल्कुल चली गई थी, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि बारिश का मौसम, ऐसा लग रहा था अप्रैल में ही गर्मियों का मौसम है। इतनी खतरनाक चिपचिपी उमस वाली इतनी सड़ी गर्मी थी, मैंने पता है कूलर हटा के रख दिया था मैंने कूलर, लेकिन गर्मी इतनी खतरनाक, लेकिन मुझे फिर से कूलर लगाना पड़ा। तो फिर मेरे गर्मी के कारण, लेकिन अच्छा भगवान का शुक्र है कि मतलब आज तो सुबह से, मतलब मॉर्निंग में झड़ी लगती है ना, हमारे आपके इधर झड़ी बोलते हैं कि मतलब कंटिन्यू बारिश गिरती है, तो हमारे इधर तो उसको झड़ी बोला जाता है कि झड़ी लग गई है। तो आप लोगों के इधर इसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यू बारिश होती है उसको क्या बोलते हैं, यह ज़रूर से बताना मुझे कमेंट में, क्योंकि मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि आपके साइड में इस चीज़ को क्या बोला जाता है। हमारे इधर तो बोलते हैं झड़ी लग गई है। तो मैं बहुत खुश थी सुबह से, मतलब आज लव का पेपर भी था, तो उसको बेचारे को इसी बारिश में भेजा, हालांकि उसको दो दिन से फीवर भी आ रहा था, लेकिन पेपर देना ज़रूरी है। ठीक है, तो फिर मैंने उसको दवा पिला के स्कूल में भेज दिया, मतलब भाई पेपर दे के आ जा तू जाके। फिर हाँ, मैं कहाँ पर थी, झड़ी नहीं, रास्ते में। ठीक है, तो चाची ने बताया, बोले चल नहीं तू अपन चलते हैं करके। मैंने, ठीक है चलो। अब हम जैसे ही पहुँचे, मतलब हमारे घर से बिल्कुल पास है ATM,
थोड़ा सा दूर जाना पड़ता है, ऐसे रोड क्रॉस करो और उधर मतलब मार्केट के बिल्कुल पास में मेरा घर पड़ता है। तो हमने देखा वहाँ पर एक वाइट कलर की बड़ी सी जाली वाली गाड़ी खड़ी है और दो बंदूक वाले भी खड़े वहाँ पर, नहीं एक बंदूक वाला था एक उसके साथ में था। तो हमने देखा तो एक ब्लैक कुर्ते पजामे में एक बंदा अंदर पैसे निकाल रहा था, ठीक है, एक बंदा बैग लेके नीचे बैठा हुआ था, उसके पास एक खाकी कलर का बैग था, नहीं ग्रीन कलर का बैग था, वो पूरा सा भरा हुआ था, ठीक है। हालांकि मेरी नज़र गई, मैंने देखा, मैंने चाची से बोला, मैंने शायद चाची मशीन के अंदर पैसे डालने के लिए आए बैंक वाले, बोले ये तो बहुत टाइम लगा देंगे, मैंने चाची को ऐसा समझाया। तो चाची ने भी रिक्वेस्ट करी कि मतलब हमें पहले पैसे निकाल लेने दो, आपको समय लग जाएगा, ऐसे करके बोला, हमने बहुत रिस्पेक्ट से बोला। हालांकि उन लोगों ने भी हमें कुछ गलत जवाब नहीं दिया, वो जो गार्ड था उसने बोला कि जो अंदर है ना वो हमारा ही आदमी है। तो मैं आप झूठ बोल रहे हो मुझसे, क्योंकि मैं सामने से देख रही हूँ वो बंदा कार्ड डाल रहा है, मशीन चल रही, घर 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 पैसे बाहर आ रहे हैं उसमें से, मैं आप झूठ बोल रहे हैं, वो बंदा पैसे निकाल रहा है उसमें से। फिर गार्ड ने सच कबूला, गार्ड ने ये बोला कि जब हम अंदर आए तब वो ऑलरेडी ATM के अंदर था, तो इसलिए हम उसे बाहर नहीं निकाल सकते थे, हम उसका वेट कर रहे हैं कि वो बंदा बाहर आए और हम पैसे मशीन में डालें, ठीक है। अब यहाँ तक की बात आपको आ गई समझ में, क्योंकि इसके बाद की बात आपको मैं जो समझाऊंगी पूरा ब्लॉग उसी पे आधारित है मेरा, ठीक है। उसके बाद जब ATM के अंदर वो बंदे ने पैसे निकाले, वो गया, ठीक है, तो मैं हमने रिक्वेस्ट करी, उस बंदे ने निकाले, हमें भी पैसे निकाल लें दो उसके अंदर से, तो वो मना करने लगा, नहीं 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 नहीं। अब बात यहाँ पर आती, क्या मैंने गलत बोला, क्या कह दिया मैंने, क्या कहा, क्या कहा, क्या कहा, क्या कहा, क्या मैंने गलत किया, सिर्फ इतना बताना आपको। मैंने उनसे बोला, मतलब ठीक है पैसे नहीं निकालने दे रहे हो तो वो देख तो लें दो कि मशीन के अंदर आप लोग पैसे कैसे डालोगे, गलत बोला, मैं कुछ सिर्फ दिखा दो कि आप मशीन कैसे खोल रहे हो और उसके अंदर किस तरीके से पैसे लगा रहे हो, अंदर जमा रहे हो पैसे, क्योंकि कल को अगर जैसे मैं कार्ड ले जाना भूल जाऊँ मार्केट में, कितनी बार ऐसा होता है कि मेरा फ़ोन पे कभी भी रुक जाता है, सर्वर डाउन हो जाता है, तो मुझे मतलब इतना नॉलेज होना चाहिए कि मुझे पता होना चाहिए कि ATM की मशीन कैसे खुल सकती है, समझ रहे हैं। तो मैंने उनसे यही बोला, मैंने प्लीज़ मुझे भी बता दो आप। तो वो ऐसे जैसे अंदर बैठा था ना झूला लेके पैसे वाला लेके लड़का, उसने मुझे ऐसे देखा, फिर जो बैंक मैनेजर था उसने मुझे इसे पलट के, ऐसे लगा जैसे मैंने उनकी प्रॉपर्टी मांग ली, अरे सिर्फ मैं सीखना चाहती थी बस, पैसा ही पैसा हो गया। और मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं रात में जाऊंगी मैं मशीन खोलूँ, ऐसा मैंने कुछ सोचा ही नहीं, मैं तो सिर्फ सीखना चाह रही थी, हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए आपके पास। अंदर से मारू था तू लाइफ में, मैं कुछ करेगा। तो मैं सिर्फ नॉलेज नहीं लेना चाह रही थी, तो उन लोगों ने मुझे ऐसी नज़रों से देखा, एक तो मुझे शायद पागल समझ रहा था, अंदर था एक कपड़े वाला, फिर दूसरे ने हंस के बोला ऐसे नहीं बताते हम लोग, ऐसे बोल के भड़ से मेरे मुंह पे गेट बंद कर दिया, मुझे इतना हर्ट हुआ ना, इतना हर्ट हुआ। फिर हम लोग चले गए दूसरे ATM, दूसरे ATM से हमने पैसे निकाले, फिर हम लौट रहे थे तो वो गाड़ी वहीं खड़ी हुई थी, फिर वो लोग बाहर निकल रहे थे, फिर मैंने उनका शूट किया, अब मैं वो शूट आपको दिखाती हूँ। बस मजे, पहले ये शूट देख लो आप। एक तो गाड़ी ऐसी खड़ी कर रखी है हमने, क्यों डाल गए क्या पैसे, सिखाए नहीं तुमने तो मुझे, हाँ मुझे तो सिखा देना था कैसे डालते मशीन में पैसे, देखा आपने ये शूट। अब बस सिर्फ इतना बताओ मैं कहाँ गलत थी, मेरे पति मुझे बोल रहे हैं अगर तूने ये सब हरकतें करेगी तो तुझे पुलिस उठा के ले जाएगी, तेरे ऊपर केस हो जाएगा, तो मैंने ऐसा क्या गलत किया, मैंने खुले आम बोला अगर मेरे को चोरी करना होती, मतलब पहली बात तो मुझे चोरी करना ही नहीं है, मैं तो सिर्फ सीखना चाह रही थी, क्या ऐसा हो सकता है, तो सिर्फ इतना कमेंट में बताना सीखना गलत है क्या, मैं सिर्फ इस जगह पे अपना वो पावर बढ़ा रही थी, मतलब वो
सीखने की इच्छा होती है ना यार, अपन मतलब कि मशीन में किस तरीके से पैसे डलते हैं, कैसे मशीन खुलती है, कैसे मशीन बंद होती है। क्योंकि कितनी बार होता है कि हम लोग एटीएम ले जाना भूल जाते हैं, तो कभी ऐसा हुआ तो जैसे मेरे को 500 रुपये लेना रहेंगे तो मैं उस तरीके से उसमें से निकाल लूँगी और वापस उस मशीन को बंद कर दूँगी। फिर बस इतनी सी बात थी, सिर्फ आप इतना सा बता देना कि मैंने सही बोला कि गलत बोला, या मेरे पति सही बोल रहे हैं या मैं गलत हूँ, इस जगह पे गलत कौन है, सिर्फ इतना बता दो आप मुझे बस।